कितने साल हो गए मुझे मैडम निलोफर के साथ काम करते हो, लेकिन आज तक मैंने उनकी आंख में आंसू नहीं देखे। तो वे मैडम निलोफर से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अपना सारा काम धंधा छोड़कर अपनी सारी तवज्जो तुम्हारी तरफदारी की तरफ लगाई। तुम्हें इसका एहसास तो करना चाहिए था। एहसास है, इसीलिए अभी तक यहां रुका हुआ हूं, वरना कब का जा चुका होता। इस हालत में कैसे जाओगे? जाओगे तो मारे जाओगे, जिंदा नहीं रहोगे। ना जाने कब तक यहां रुकना पड़ेगा। वक्त तो लगेगा। शुक्र करो कि तुम्हारी जान बच गई, वरना जान से भी बड़ी कोई चीज है। एक चीज, लेकिन तुम नहीं समझोगे। कुछ कहा तुमने? बहुत बहुत मुबारक हो, आपके पेशेंट को होश आ गया। आप अपने पेशेंट से मिल सकते हैं। दलाल, मेरे बच्चे, सत्य जो मेरा बच्चा होश में आ गया। तुम्हें होश में देखकर तुम्हारी माँ फिर से जी उठी है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझ गुनाहगार की दुआओं की लाज रख ली। मेरा बेटा लौट आया मेरे पास। तुम यहाँ रो क्यों रही है? होश तो आ गया। नहीं बेटे, रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं मेरे। तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो तलाल। अल्लाह फूलों के लिए शुक्रिया। अब मुझे पता है कि तुम होश में आ गए, क्योंकि तुम्हारी तीसरी आंख भी खुल गई। तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करती हूँ तलाल। अल्लाह तुम्हें सारी दुनिया की खुशियां दे। तुम तो ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। और डॉक्टर ने तुम्हें हर किस इजाजत नहीं दी कि तुम इतनी बातें करो। तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम करो। हाँ दलाल बेटे, अभी तुम आराम करो, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना है। हाँ मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। I'm so glad you're back, दलाल।